जसपा पार्टी के जिला उपाध्यक्ष एवं सोनीपत विधानसभा से भावी जसपा उम्मीदवार अमित बिंदल कोट मोहल्ले में आयोजित एक शोभा यात्रा में पहुंचे। यहां पहुंचने पर आयोजकों ने अमित बिंदल का पगड़ी पहनाकर स्वागत किया। इस दौरान अमित बिंदल ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि पिछले 10 साल से बने भाजपा विधायक में हद से ज्यादा घमंड आ गया है। जनता की परेशानियों को अनदेखा किया जा रहा है, इसलिए अब इस घमंडी विधायक को बदलने का समय आ गया है। जो ये महोत्सव आपने किया है मेरे युवा साथियों ने मिलके, ये मैं कहना चाहूंगा कि इसको आप लगातार बनाए रखें, ऐसी धार्मिक गतिविधियां करते रहें, क्योंकि इससे समाज भी आपके साथ आगे बढ़ता है। आपने देखा होगा रामायण के अंदर कि घमंड तो रावण का भी नहीं बचा, घमंड तो रावण का भी टूट गया था। तो आज की सरकार तो चीज ही क्या है, पिछले 5 साल में 10 साल में आपने देख लिया, जो आपके सोनीपत शहर पे रावण की तरह राज कर रहा है, ये सच्चाई है कि नहीं है? वो पिछले 10 साल से आपके ऊपर एक रावण की तरह राज करता है। अब की बार उसका घमंड तोड़ना आप लोगों के हाथ में है।